वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह धर्मां ने उस परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु तक पहुँचने वास्ते अनेक सिद्धांत, अनेक व्याख्यावां दित्तियां हन। अते वो अपने सिद्धांत, अपनियां परिभाषां नूं उजागर करन वास्ते अनेकां धर्म दे चिन्ह दित्ते हन। धार्मिक चिन्ह प्रतीक दा काम करदे हन। पावे है कि जो चिन्ह असी धर्म के धारण किए हैं वो सानू प्रतीक वजो मिले हैं। उन्हां दे राही असी अगे की यात्रा प्रारंभ करनी हुंदी है, अगे का मार्ग तय करना हुंदा है। पर कुछ लोग प्रतीकां दे पास ही खलो जांदे हैं, जां उन्हां प्रतीकां दे अर्थ, उन्हां चिन्हां दे अर्थ गलत धारणा दे नाल अपनी मत मुताबक घड़ लेंदे आ। ऐसियां ही अनेकां कुरीतियां गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी आमद वेले होईयां। जिस वक्त गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं धर्म दा चिन्ह जनेऊ पाण दी रस्म अदा करन लगे पंडित हरदयाल जी, तां गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पंडित जी नूं सच्चे जनेऊ बाबत दस्या कि असल विच धार्मिक चिन्हां दा भाव की है। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया, किसी धर्म नूं माड़ा नहीं किया, भंडिया नहीं। केवल तां केवल जिहड़े लोग प्रतीकां दे अर्थ गलत लै गए, जां जिहड़े लोग उस मील पत्थरां दे कोल ही रुक गए, उन्हां नूं समझाया जरूर है। केवल तां केवल इस ढंग नाल ही गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जगत जलंदे नूं सच्चे मार्ग ते पाया। जनेऊ दी घटना आपां सरवण करदे हाँ कि पंडित हरदयाल जनेऊ पवान लगा, सतगुरां ने कहा इहदा भाव की है, ये क्यों पाना है। तां पंडित हरदयाल जी ने घड़िया ही उत्तर दिता कि तुसी साडे विच शामिल होवोगे, चौंके विच शामिल होवोगे, अपनी जाति विच शामिल होवोगे जे जनेऊ दे धारण करता बनोगे। पर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जनेऊ पाए हुए लोकां नूं रुकियां देखिया, कुरीतियां करदियां देखिया, ते कहा ये जनेऊ जो तुसी मैनू पवा रहे हो कि ये मालक दे राह दा हामी बन सकदा है, तुर दरगाह तक नाल जा सकदा है। तां पंडित हरदयाल जी चकाचौंध हो गए, पुछिया तुसी किस जनेऊ बाबत गल कर दियो, कि ऐसा कोई जनेऊ है। तां गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उत्थे वचन किते, हाँ पंडित जी, सच्चा जनेऊ, असल जनेऊ जो है वो तुहाडे गुणा विच्चों निकलदा है, उहदे लई भी कपाह दी लोड़ है, उहनूं भी वट देने पैंदे हन, उहनूं भी गंढना पैंदा है, उसनूं भी धारण करना पैंदा है। पर उह जनेऊ साडे शरीर दा नहीं, ओ जनेऊ साडी आत्मा दा है। गुरु साहिब जी ने उत्थे पावन बचन कीते जो असी पढ़दे भी हाँ, दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट, इह जनेऊ जी का हई ता पांडे कत, ना इहो टुटै ना मल लगै, ना इहो जलै ना जाए, धन सो मानस नानका जो गल चलै पाए। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कहा दया दी कपाह लो, संतोख दा धागा लो, जत ते सत दियां उस नूं गंढा मारो, उस तो बाद हे पंडित जी ऐसा जनेऊ मेरी आत्मा नूं पाओ। ये जनेऊ सच्चा है, ना ये टुटदा है, ना ये मैला हुंदा है, ना मनुख दे शरीर दे नाल सड़दा है। जिन्हां दे पास ऐसा सच्चा जनेऊ है वो मानस धन हन जिन्हां ऐसा जनेऊ गल पाया। तो धर्म दे चिन्ह धारण करने ने, धर्म के चिन्हों का सत्कार करना है, धार्मिक रौ रीतियां निभाना है, पर ना इन्हां पर ही खलोना है ते ना ही इन्हां दे अपनी मत मुताबक अर्थ कढ़दे हां। जो गुरु साहिब जी ने कृपा की है, धर्म के चिन्ह सदा प्रतीक होया करते ने, उहदे तो सच्चा भाव लै करके असी अगे वधना है। गुरु साहिब जी के दिते हुए सिद्धांत नूं, दित्ती हुई निशानियां अपने जीवन विच धारण करना है, गुरु दियां जान के उन्हां नाल प्यार करना है ते उन्हां दा सत्कार करना है। असल अर्थां विच जो सच्चा भाव समझ लैंदा है
ਉਹੀ ਅਸਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।